Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Pakistan, in order for them to take action to undermine the support the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. बहुत हो गया टू मोर, अब होगा नो मोर। सियासी और अस्करी क्यादत एक जबान, अलग अलग मुलाकात के बजाय मुश्तरका मुलाकात करके दिया वहदत का पैगाम। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर काम कर रहा है, अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन की दौरा पाकिस्तान में वही पुरानी रट, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खात्मे की कोशिशें तेज करे, दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका के मफाद में है। पर्सन ने ट्रंप के तहफुजात पाकिस्तान तक पहुँचाए, अमरीकी सिफारतखाने ने मुलाकात का ऐलामिया जारी कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर चेयरमैन सेनेट बरहम राजा रब्बानी ने कहा टिलरसन ने ऐसे बयान दिया जैसे वो पाकिस्तान के वॉइस राय हैं। वजीर खारजा बयान से राहत दें। जितनी हुर्मत फौज और अदलिया की है उतनी पार्लियामेंट की भी है। पार्लियामेंट की हुर्मत फौज और अदलिया की हुर्मत जैसी है। सुकरात और बुकरात पाकिस्तान की कामयाबियों को पंक्चर करने पर तुले हैं। मायूसी फैलाने वाले सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड सियासतदानों के सरबराह इमरान खान हैं। इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ को झटका, आयशा गुलालई की कौमी असेंबली की रुकनियत बरकरार, इमरान खान की रुकनियत मंसूखी की दरखास्त खारिज। तहरीके इंसाफ ने आयशा गुलालई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। 4 साल नियाजी साहब अनार्की फैलाते रहे इस मुल्क में, अगर इस मरतबा नियाजी साहब निकले तो फिर पाकिस्तान के अवाम भी निकलेंगे और मैं भी उनके साथ निकलूंगी। नियाजी साहब ने हमेशा इंतशार फैलाया, वो सड़कों पर निकले तो हम भी इदारों के एहतराम में निकलेंगे, आयशा गुलालई का ऐलान। वाह के तहफुजात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़े न बनाए। शफकत महमूद बोले कि पार्टी टिकट पर मुंतखिब शख्स पार्टी कवानीन का पाबंद है, कवायद करने वाला मेंबर कैसे रह सकता है। अब हर कोई उठ के पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा और उसको ये परवाह नहीं होगी कि वो अपनी सीट जो है वो लूज कर सकता है। इमरान खान की पीपल्स पार्टी पर फिर गोलाबारी, कहा अंदरूनी सिंध खंडर और कराची कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, सिंध हुकूमत वसाइल का इस्तेमाल करती तो हालत ऐसी ना होती। साबिक सदर पर भी तनकीद, बोले आसिफ जरदारी सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, लोग उनके गुंडों से डरते हैं, शुगर मिल माफिया गरीबों का हक मार रही है। आसिफ जरदारी के लिए मैंने खास इन स्विंग तैयार की हुई है और वो देर नहीं है क्योंकि मुझे उसकी मिडिल स्टंप नजर आ रही है। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम, गिरफ्तार मुलजिम शर्जील मेमन एहतसाब अदालत में पेश। शर्जील मेमन समेत तमाम मुलजिमों को 4 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, ट्रायल का सामना करने वतन वापस आया। जब रेफरेंस दायर हो चुका तो गिरफ्तारी का क्या मकसद है, में कब तक दोहरा मायार चलेगा, शर्जील मेमन की जेल जाने से पहले गुफ्तगू में सवाल। मुल्क में आया अपने केस को फेस करने के लिए, मैंने सरेंडर किया आते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ की तमाम कोर्टों के सामने मैंने सरेंडर किया। आइंदा इंतखाबात से कबल पंजाब की सियासी हो जाएगी, बड़ी सियासी शख्सियात राब्ते में हैं, जल्द बड़े ऐलानात सामने आएंगे। आसिफ जरदारी ने सियासी मुखालफीन को खबरदार कर दिया, कहा आरओ इलेक्शन के नतीजे सियासी जमातों की मकबूलियत का नहीं धांधली का पैमाना होते हैं।
नवाज शरीफ से मुतालिक आखिरी फैसला आवाम ही करेंगे। मरियम नवाज की एनए 120 में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाना हमारा मिशन है। लाहौर नून लीग का कला था है। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की कप्तान पर कड़ी तनकीद, बोले धरनों की आड़ में मईशत के साथ घिनौना खेल खेला गया। मुल्क को अंधी तरक्की में रोड़े अटकाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। कप्तान की गिरफ्तारी टल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। कंदील बलोच कत्ल केस, नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी को हालत संभलते ही अस्पताल से थाने मुंतकिल कर दिया गया। 27 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, आज भी नवाज शरीफ की कयादत में मुत्तहिद है। राणा सनाउल्ला की वजाहत, कहा कि शेख रशीद, परवेज इलाही और एतजाज एहसन अपने हलके में भी नहीं जीत सकते। परवेज इलाही जैसे लोटों की नून लीग में नहीं। नैब ने शरीफ खानदान और इसाफदार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज के पास जमा करा दी। तमाम मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तफसीलात शामिल। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा, दरिंदा सिर्फ शख्स ने 4 साल बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, गिरफ्तार। आईजी सिंध का ऐलान, कहा पुलिस अहलकार किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। शहर में तेज धार आलों से हमलों का मकसद खवातीन में खौफ पैदा करना था। कराची के रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट पासिंग आउट परेड, से जायद अहलकार सिंध पुलिस का हिस्सा बन गए। तरबियत पाने वाले अहलकारों का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का शानदार अमली मुजाहिरा। कायदे आजम ने अकलियतों के तहफ्फुज़ की यकीन दहानी कराई, हमें इन्हीं उसूलों की पैरवी करनी है। जबरी तब्दीली मजहब की शदीद मजम्मत करता हूँ, इंतहा पसंद कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। इमरान खान का कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब। मुस्तफा कमाल फिर फट पड़े, कहा कि सिंध हुकूमत के पास वक्त नहीं, मेयर के पास इख्तियारात नहीं। मास्टर प्लान महकमे को बिल्डिंग कंट्रोल के मातहत करके चोर को चौकीदार बना दिया गया। पिशावर के हलका NH4 पर जिम्नी इंतखाब का मार्का, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, गहमा गहमी उरूज पर आज न्यूज की हलका तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन। कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरुमेद। इतने लोग मर गए हो उनके उसके लिए नहीं आए, लेकिन जब NA4 में इलेक्शन आया तो उसके लिए ये अवाम के दरमियान में आए। इधर देखो जी, 4.5 साल गुजर गए ना, ये कहते हैं कि हम निजाम बदलेंगे, आप इस तरह करें कि कैमरे को इस तरफ मोड़ दें। कराची के इलाके मंगू पीर में पुलिस की कार्रवाई, औरंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस में मफरूर मुलजिम अमजद आफरीदी गिरफ्तार। लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस के दोबारा एंट्री टेस्ट लेने पर तलबा सरापा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर मुजाहिरा, एंट्री टेस्ट इम्तिहानी निजाम पर सवालिया निशान है मुजाहिरीन का मौकफ। फिल्म
दिनेश्वर शर्मा, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बेमायने हैं। भारत ने तस्लीम कर लिया कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। भारतीय कश्मीर की क़यादत के साथ मुज़ाकरात की दावत पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अमरीकी अफगान पॉलिसी रंग दिखाने लगी। अफगान सदर अशरफ गनी का भारत का दौरा। भारतीय वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर कम्युनिस्ट चीन के बानी माओजे तुंग की सफ में शामिल। कम्युनिस्ट पार्टी ने सदर शी जिनपिंग के नजरियात को आइन का हिस्सा बनाने का बिल मंजूर कर लिया। में इंसदादे पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो के मरस पर 80% काबू पाया जा चुका, लेकिन पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा इकबाल, मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के दौरे पाकिस्तान से, जिन्हें मुल्क की सियासी और अस्करी क्यादत ने यकजा होकर दो दो पैगाम दिया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत ने अमरीकी वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें करने के बजाय मुश्तरक मुलाकात करके वहदत का पैगाम दिया है। और इसी अहम मीटिंग के दौरान अमरीकी वक्त पर यह वाज़ेह कर दिया गया कि अब पाकिस्तान डू मोर के किसी मुतालिबे पर अमल नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने रेक्स टिलरसन को यह बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान भरपूर तौर पर काम कर रहा है। बहुत हो गया डू मोर, अब होगा नो मोर। अमरीकी वजीर खारजा के सामने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी जुबान हो गई। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन वजीर आजम हाउस पहुंचे तो सियासी और अस्करी क्यादत ने अलहदा अलहदा मुलाकातें करने के बजाय का मुलाकात करके वहदत का पैगाम दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के लिए अहमियत का हामिल मुल्क है। पाक अमरीका ताल्लुकात मुश्तरका अहदाफ के हुसूल, अमन और सलामती के फरोग में अहम हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अमरीकी क्यादत को दो टोक पैगाम दिया और कहा कि हम भी अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम भरपूर काम कर रहे हैं। इससे कबल जब अमरीकी वजीर खारजा के तैयारे ने चकलाला एयरबेस पर लैंड किया तो रिवायत से हटकर उनके इस्तकबाल के लिए कोई हुकूमती शख्सियत मौजूद न थी और दफ्तर खारजा के अमरीकी डेस्क के अफसर ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी सिफारतखाने ने रेक्स टिलरसन के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर खारजा टिलरसन ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करें। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, अमरीका मुस्तकिल कह रहा है डू मोर, पाकिस्तान कह रहा है नो मोर, क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, आज अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने यहाँ पर बातचीत की, पाकिस्तान की क्यादत के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद जो अमरीकी सफारतखाने से बयान जारी हुआ है उसमें तो यही कहा गया है बाकायदा तौर पर कि रेक्स टिलरसन ने फिर इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों और मिलिटेंट्स यानी अस्करियत पसंदों के खिलाफ अपनी कोशिशों को तेज करे। लेकिन जो आप नो मोर की बात कर रहे हैं, इस हवाले से सेक्रेटरी टिलरसन ने भी ये बात की कि अमरीका के तहफात को दूर करने के लिए जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिजी में मौजूद हैं, पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी के जरिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेकाम और पर मफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकता है। इसी तरह सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने ये भी वादे किया कि
पाकिस्तान और अमेरिका का एक पुरमन अफगानिस्तान के क्याम, दाइश को जनूबी एशिया में शिकस्त देने और दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करने का मुश्तरका मफाद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के बेजा मुतालिबात और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रेक्स टिलरसन ने ऐसे ही बयान दिया जैसे वे वॉइस राय हों। अमरीका को समझा दें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किस तरह की करारदाद मंजूर की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा है कि हमले पर पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास बुलाने का कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ऐवान में आए और अमरीकी वजीर के बयान पर वजाहत दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाला अमरीका और इस जंग में हजारों जानों की कुर्बानियां देने वाले पाकिस्तान के ताल्लुकात ने कई नशेब फराज देखे हैं। बुश इंतजामिया से तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात कैसे रहे, एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट। सानहे 9/11 ने जहां पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, वहीं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ने भी एक On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अमेरिका ने अलकायदा क़यादत की मौजूदगी पर अफगानिस्तान पर धावा बोला तो पाकिस्तान ने अमेरिका के दुश्मनों को अपना दुश्मन करार दिया और जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। Now, if at all any Al Qaeda operative is hiding in this region, we are after them. लेकिन वक्त बदला तो साथ ही अमरीकी क़यादत के रवैये भी बदल गए। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की कुर्बानियों को सरफे नजर करके पाक सरजमीन को दहशत गर्दों की जन्नत करार दिया गया। Our efforts must also address terrorist safe havens in Pakistan. बात यही नहीं रुकी बल्कि ओबामा के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने सरहदी खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ा दी। कबायली इलाकों में ड्रोन हमले मामूल बन गए। अमरीकी तैयारों ने पहली बार किसी शहर यानी एबटाबाद में कार्रवाई की और इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादन की हलाकत का दावा किया गया। फिर सलाला चेकपोस्ट पर बमबारी करके फौजी जवानों को शहीद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के कसरे सदारत में पहुंचने के बाद तालबे में कोई तब्दीली ना आई। पाकिस्तान ऑफन गिव्स सेफ हेवन टू एजेंट्स ऑफ कैओस वायलेंस एंड टेरर। बरसों के वाकयात के बाद ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी आई थी उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू कुरम एजेंसी से अमरीकी खातून और अहले खाना की बाजियाबी के शक्ल में नजर आया। दिस हैज बीन अ ट्रेमेंडसली प्रेसिजन वर्क, इट हैज बीन ट्रेमेंडसली ताल्लुकात की गाड़ी इस नए मोर से फर्राटे भरती आगे निकलेगी या फिर हिचकोले खाते हुए डू मोर के स्टॉप पर स्टॉप हो जाएगी। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि जितनी हुर्मत फौज और अदलिया की है उतनी ही पार्लियामेंट की भी है। करप्शन के मगरमच्छ सब पीटीआई में जमा हो गए हैं। उन्होंने सुकरात और बुकरात पाकिस्तान की कामयाबियों को पंक्चर करने पर तुले हैं। जितनी हुर्मत फौज और अदलिया की है उतनी ही हुर्मत पार्लियामेंट की। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से चंद मायूस सियासतदान और सुकरात और बुकरात ऐसे हैं कि जो हमारी कामयाबियों को मुसलसल पंचर करके मायूसी फैला, और इन्हें मैं सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड कहता हूं। और इस सत्यानाश बेड़ा गर्क ब्रिगेड के जो कमांडर हैं या आईजी हैं वो इमरान खान साहब हैं। जायज हो नाजायज हो, किसी तूफान आए, कोई सियारा गिर जाए या वो कोई पत्थर मीटियोराइड है वो आके गिर जाए तो हमारा ये निजाम किसी तरह रप्चर हो जाए और मार्च 2018 जो है वो
पार्लियामेंट उससे पहले ही बर्खास्त हो जाए तो ये सेनेट के लिए। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो सकी, आयशा गुल अलई रुकन कौमी असेंबली बरकरार रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का रेफरेंस खारिज कर दिया। इंसाफ की मुरादें पूरी ना हुई, आयशा गुल अलई रुकन कौमी असेंबली बरकरार रही। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के ने रेफरेंस की समाअत की। पंजाब और बलूचिस्तान के मेंबर ने आयशा गुल अलई के खिलाफ फैसला दिया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के रुकन ने आयशा गुल अलई के हक में फैसला सुनाया। पीटीआई सरबरा इमरान खान ने आयशा गुल अलई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था। पीटीआई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। और इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ की बागी रुकन आयशा गुल अलई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपनी कामयाबी करार दिया। इमरान खान की सियासत और किरदार पर शदीद तो इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तासुब कर रहा है। फवाद चौधरी बोले कि तहफुजात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़े न बनाए। मेरे खिलाफ भी फैसला आ जाता, इन मौजूद जस्टिस साहिबान को धमकियां ना देती, इलेक्शन कमीशन को धमकियां ना देती। पार्टी के ओपनली कह रही है मैं इस्तीफा दे चुकी हूँ और वोट नहीं करती, जो बिल्स हैं डायरेक्शंस पे तो वो पार्टी में कैसे रह गई है। नियाजी साहब बोलते मेरे खिलाफ फला फैसला आया तो मैं सड़कों के ऊपर लोग ले आऊंगा। ये इलेक्शन कमीशन वो फैसले कर रही है, तासर मिले कि ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन खड़ी है। चार साल नियाजी साहब अनारकी फैलाते रहे इस मुल्क में, अगर इस मर्तबा नियाजी साहब निकले, आओ इस इदारों को बंद करें, सड़कों को बंद करें, तो फिर पाकिस्तान के और मैं भी उनके साथ निकलूंगी। आर्टिकल 63 ए की सरीहन खिलाफ वर्जी है एक दिन भी उनका और एमएनए रहना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को मुतनाज़ा बना रहे हैं। पे दर पे इलेक्शन कमीशन से जो फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ उनसे मुतमईन नहीं है। आज का फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी। इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा इवॉल्व नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के खदशात हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के फैसले करता रहा बुर्दबारी है वो अंडर क्वेश्चन आएगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात से कबल पंजाब की सियासी हवा तब्दील हो जाएगी। बड़ी सियासी शख्सियात रास्ते में हैं, जल्द बड़े ऐलानात सामने आएंगे। लाहौर में सरगोधा डिवीजन के टिकट होल्डर से मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 2018 में सिर्फ मरकज ही नहीं पंजाब में भी जियालों की हुकूमत होगी। उम्मीदवार इंतखाबात में मुखालफीन का मुकाबला करें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आरओ इलेक्शन के नतीजे सियासी जमातों की मकबूलियत का नहीं बल्कि धांधली का पैमाना होते हैं। जिस जमात के पास जियाले हों उसे शफाफ इंतखाबात में कोई नहीं हरा सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर साबिक हुक्मरान वसाइल की लूटमार के बजाय बिजली बहरान के खात्मे पर तवज्जो देते तो मुल्क अंधेरों में न डूबता। उन्होंने कहा कि गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और बिजली के अंधेरे साबिक हुक्मरानों की करप्शन के तोहफे हैं। नंदीपुर पावर प्लांट भी इन्हीं लुटेरों की हविस का शिकार हुआ। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वसाइल की लूटमार और धरनों की आड़ में पाकिस्तान की मईशत के साथ घिनौना खेल खेला गया। मुल्क को अंधेरों में धकेलने और तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। और अब बात करेंगे पिशावर के हलका NH4 की, जहां जिमनी इलेक्शन 26 अक्टूबर को होगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। आज न्यूज इस हलके से खुसूसी कवरेज कर रहा है। हलके में मसाइल के ढेर लगे हैं। आवाम का कहना है कि जिमनी इलेक्शन से पहले अवामी नुमाइंदों को इस इलाके में एक बार भी नहीं देखा गया। आज वोट मांगने के लिए सब आ रहे हैं। हल्का तहलका आज न्यूज बना पिशावर के आवाम की आवाज। जिमनी इलेक्शन का बगल बजते ही अवामी नुमाइंदों के NH4 पिशावर में डेरे। लेकिन अवाम कहते हैं सियासतदान अब वोट लेने आ गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ। पीटीआई के जो लीडर है वो जो यहाँ पे ये बड़े बड़े दावे कर
मेरे ख्याल में 4-4.5 साल होने हुए और अभी जो है ना ये काम जारी किया है उन्होंने। इतने लोग मर गए हो उनके उसके लिए नहीं आए, लेकिन जब NA4 में इलेक्शन आया तो उसके लिए ये अवाम के दरमियान में आए। कुछ काम नहीं किया, ना काम नहीं किया, अभी ये रोड वगैरह जो है बना रहे हैं, इससे पहले कुछ काम भी नहीं किया। इधर देखो जी 4.5 साल गुजर गए ना, ये कहते हैं कि हम निजाम बदलेंगे, आप इस तरह करें कि इस कैमरे को इस तरफ मोड़ दें। NA4 में जिमनी मार्का 26 अक्टूबर को होगा। ये नशिस्त PTI की गुलजार खान के इंतकाल पर खाली हुई थी। हल्के में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी और ANP के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। रिपोर्ट आपने देखी, मजीद अहम खबरें देखिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।